शाहपुर पुलिस ने 3 दिन पहले हुई युवक की हत्या का खुलासा कर दिया है। सरमन सिंह गौड़ की हत्या उसके ही दोस्त भरत पिता रामचरण गौड़ ने की थी। आरोपी की पत्नी के साथ मृतक के अवैध संबंध थे, जिसके चलते आरोपी भरत ने सृजित योजना बनाकर अपने ही दोस्त सरमन की लोहे के पास हत्या कर दी। आरोपी ने बताया कि 1 साल पहले सरमन के साथ वह गुजरात काम के लिए गया था, जब मृतक और उसकी पत्नी के बीच अवैध संबंध बन गए थे और यह बात आरोपी को मालूम चली तो वह आग बबूला हो गया। फिर उसने सरमन को जान से मारने की योजना बनाई। अभी कुछ दिनों पहले दोनों गुजरात से वापस आए थे। 28 तारीख रात में आरोपी भरत ने सरमन को फोन लगाकर बताया कि मन टोरिया पर एक लड़की आने वाली है, तुम आ जाओ। मृतक सरमन मन टोरिया पर पहुंचा और किसी से फोन पर बात करने लगा। मौका पाकर आरोपी भरत ने लोहे की पास से मृतक के सर पर पीछे से वार किया। मृतक जमीन से बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। तब उसके बाद आरोपी भरत ने उसके गले और चेहरे पर लोहे की फांस से कई बार। दिनांक 29/3/2020 को चौकीदार द्वारा सूचना दी गई थी कि मन पहाड़ी ग्राम देवरी पथरिया में किसी अज्ञात व्यक्ति की शव पड़ा हुआ है, जिस पर हम लोग वहां पर गए थे, जिसकी पहचान सरमन के रूप में सिसकुआ गांव के सरमन के रूप में हुई थी। और हम लोगों ने वहां लोगों को बुलाया था इस संबंध में, चूँकि अंधा कत्ल था। FSL जांच टीम आई थी और थाना प्रभारी सानोदा और अनुभागीय अधिकारी रहली यहां पर मौजूद हुए थे, उनके दिशा निर्देश हुए। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बार बार लगातार निर्देशित किया गया, जिनके परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा आसपास के पूरे गांव में इस संबंध में जानकारियां पता की गई थी। जो पता चला कि भरत आदिवासी जो साथ में गुजरात में काम करता था, इसका वहाँ पर कुछ झगड़ा हुआ था। उस झगड़े को लेकर इन लोगों के बीच में मन मुटाव चल रहा था, परंतु अभी वर्तमान में ये लोग मिल रहे थे और अब पार्टियाँ कर रहे थे। इसको देखते हुए जब भरत का पता किया तो भरत घर पर नहीं मिला और उसके मोबाइल भी बंद आ रहे थे, जिस पर भरत की तलाश पत्रा सीखी गई। भरत मिला, भरत ने बताया कि करीब 1-1.5 साल पहले जब गुजरात में था, उसकी पत्नी के साथ इसने अवैध संबंध बनाए थे। इन अवैध संबंधों की वजह से उसने यह सोच लिया था कि हत्या करना है। उसकी रिपोर्ट उसने कहीं पर नहीं की थी और लगातार अपने मन में इस बात को बनाए रखा कि इसको मुझे मारना है। और फ्राक में उसने पहले मित्रता की और फिर चूँकि यह है, इसने बताया है कि सरमन जो है लड़कीबाज टाइप का था, जो उसने उसको फ़ायदा उठाते हुए उसको बुलाया कि पहाड़ी पे एक लड़की की व्यवस्था है, तुम आ जाओ। और ये दोनों वहाँ पहाड़ी पे साथ में जाते हैं और काफ़ी समय, करीब आधा पौन घंटा वहाँ साथ में गुजारते हैं। और जैसे ही इसको मौका मिलता है कि एक जो बखर की पास होती है, जो पहले से अपने साथ छपा के ले जाता है सुनियोजित तरीके से, उसको ये पीछे से बार करता है और लगातार फिर उसकी गर्दन और सिर में चोटें पहुंचाकर उसकी हत्या कारत कर देता है। अकेले ही केवल एक ही व्यक्ति द्वारा हत्या की गई है और अन्य कोई लोग इसमें शामिल नहीं थे। किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया? मामला हत्या और साक्ष्य पाने की धारा के अंतर्गत किया गया है, आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है उसको। चौकी प्रभारी रवि भूषण ने पाठक ने बताया कि पुलिस अधीक्षक सागर एवं SDOP रहली अनुराग पांडे व सनोदा प्रभारी SS परिहार के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई। विवेचनाएं पाया गया कि मृतक के मोबाइल नंबर से जिसकी अंतिम बार बात हुई थी, वह नंबर विगत उसी दिन से बंद आ रहा था। जैसे शक की हुई आरोपी भरत पर मुड़ गई और आरोपी ने पूछताछ करने पर अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी भरत पर IPC धारा 302 एवं साक्ष्य छुपाने के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया है, जहां उसे जेल भेज दिया गया है। गठित की गई विशेष टीम में सहायक उप निरीक्षक हरिशंकर तिवारी, करण सिंह मकराम, जितेंद्र प्यासी, अहरबार अरविंद यादव, जगदीश सिंह, लक्की पटेल, गजेंद्र सौरभ रेकवा, साई वसल सागर के विशेष सहयोग से अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाई गई। लोकल न्यूज के लिए सागर से अनिल वर्मा की रिपोर्ट।